वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0, 36, 15। हमें इन दो पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद इसने दूसरा एक क्वेश्चन इसी में पूछा है कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 7.2 में, क्या आप इन दो टाउन्स का डिस्टेंस बता सकते हैं? तो चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। यही दो पॉइंट्स हमें गिवन है। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन पे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं ए, उस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0, और इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 36 और 15। हमें करना क्या है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता है, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। उसके बाद जो ये है, ये होता है एक्स वन, ये होता है वाई वन, ये होता है एक्स टू और ये होता है वाई टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स टू क्या है 36, एक्स वन क्या है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू क्या है 15, वाई वन क्या है 0 इसका होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए आप 36 में जब 0, अब 0 में से कुछ भी माइनस कीजिए वही नंबर वापस आएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर फिर से 15 में से 0 माइनस के, 0 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे वही नंबर वापस आता है, ठीक है। तो हम 36 इंटू 36 की जब करेंगे तो कितना होता है, 36 इंटू 36 कितना होता है, ये होता है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको आएगा ये 1296, मतलब 1296 प्लस जब 15 इंटू 15 करेंगे तो ये आपको आता है 225। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको ये आता है 1521। अब हमें इसको इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे क्योंकि हमें इसको तोड़ के लिखना है। 1521, अब देखिए ये जो है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, पहले इसका जो 3 से फैक्टर बनेगा 1521, 3 5 15 15 आएगा तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 5 3 0 0, 3 7 21 एंड हो गया, ठीक है। तो इसका आ रहा है 507, 3 × 507। फिर से जब आप इसको फिर आगे और डिवाइड करेंगे 3 से ही, जब इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेगा 3 1 3। अब देखिए 5 में से आपने 3 को माइनस किया तो फिर कितना है, अभी बचा 2, फिर 2 को आगे शिफ्ट कीजिए हो जाएगा ये 20। तो अब 20 तो नहीं आता है 3 के टेबल में लेकिन 18 आता है, तो 3 6 18। अब हमने 20 में से 18 को माइनस किया, यहाँ पे बचा 2, वो 2 आगे चला गया बन गया 27, 3 9 27। अब हम जानते हैं कि 169 का जो है रूट जो है होता है ना, क्या होता है 13 जब आप करेंगे तो आपका जो है वो 169 आएगा, 13 × 13 169 होता है, 13 1 13। पहले अब इसके हम फैक्टर लिखते हैं क्या क्या आ गया, 3 × 3 फिर 13 × 13, 3 × 3 13 × 13, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमें एक पेयर बनता है किसी भी नंबर्स का, उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं और उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 × 3 इसका 3 का एक पेयर बन रहा है और 13 × 13 13 का एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे 3 × 3 एक पेयर बन रहा है, इसको हम बाहर लिखेंगे रूट के बाहर एक ही बार लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे। और यहाँ से 13 × 13 इसका पेयर बन रहा है, इसको भी हम कॉमन निकालेंगे और एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो रूट के अंदर कुछ बचाएंगे तो इसका आप इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 13 को, तो ये कितना आता है 3 1 3 3 3 9, तो आपका ए बी जो है वो कितना आया
39 आया, ठीक है। आगे पूछ रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2, क्या आप इन दो टाउन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं जो इन्होंने डिस्कस किया है सेक्शन 7.2 में। तो हम चेक कर लेते हैं सेक्शन 7.2 क्या है। इसमें इन्होंने बोला है कि अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, एक टाउन बी है वो लोकेटेड है कहाँ पे है, 36 किलोमीटर ईस्ट में है वो और 15 किलोमीटर नॉर्थ में है। देखिए जो टाउन बी है वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है, ईस्ट होता है इस साइड, पहले मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। ईस्ट जो होता है वो इस साइड होता है और वेस्ट जो है वो इस साइड होता है, नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखिए कि टाउन ए से जो बी टाउन है वो 36 किलोमीटर ईस्ट में है और 15 किलोमीटर वहां से नॉर्थ में है। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की तो अब हमें ये इस लाइन का डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी दूरी पर है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है। अब अगर आप देखें तो ये हमें ट्राइंगल बन गई है, इसकी इस ट्राइंगल की ये साइड हमें गिवन है, ये साइड भी गिवन है ना। अब हम इजिली इसका आंसर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है पैथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है हमें पता ही नहीं है कितना है, तो इसको ऐसे रखेंगे, लेकिन हमें बेस पता है, बेस कितना है 36 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 36 इंटू 36, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था तो कितना आया था 1296, और हमने पीछे वाले क्वेश्चन में 15 टू 15 भी किया था वो कितना आया था 225 आया था। देखिए कितना आता है, अब ये एच का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को प्लस करेंगे कितना होता है, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया था तो कितना आया था 1521 आया था, ठीक है। एच इज इक्वल टू स्क्वायर को आगे शिफ्ट करेंगे तो ये रूट बन जाएगा 1521 आएगा, फिर से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो फिर से वही फैक्टर बनेंगे जो पीछे वाले अभी हम जो पीछे किया वही फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे, एक बना था 3 × 3 और दूसरा बना था 13 × 13, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए इनके पेयर बन रहे हैं, 3 का भी पेयर बन रहा है, 13 का भी पेयर बन रहा है, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा रूट के बाहर, यहाँ से 13 निकलेगा कॉमन रूट के बाहर, तो रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो एच इज इक्वल टू हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या था आपका, ए बी था, तो ए बी जो है वो कितना आया 39 आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।